फोर बाय फोर रे ये करा है प्लॉटिंग करा है जी चार मीटर रे दुईश नौ है प्रिया किसी ना ये एम नॉर्मल राइस दृश्यटा तो आप जानते हैं एवाल्युएसन जीवन ट्राइस पैराडीज गिरी संस्था द्वारा आम आदि भारत में 18 विभिन्न प्रकार धान ट्राएल होान सब प्राय पाची बसला हेडिंग स्टेज के अच्छे आपरे आज्ञा मैंने आपको अप्राइज करेंगे भेरिटिका इम्पोर्टेन्स कहीं जिंक अच्छे कहीं प्रोटीन अच्छे कहीं काण अच्छे कहीं कार्बोहाइड्रेट करते कौन खरीफ में सुट कर रबिरे सुट कर सब आज्ञा मैंने कहे तार आगे सर्वप्रथमें आम डाइस श्री क्रिकेटर सार जेकि प्रिंसिपल राइट अच्छा दुई नंबर सार अच्छा एडीए सोयल सोयल केमिस्ट बलांगीर सार अच्छा डॉक्टर जेना सार ये अशोक अच्छा आम दिलीप बाबू ये ईरीर सीनियर ऑफिसर्स टे तापरे समस्त मुझे अनुरोध करमी आम मीटा आरंभ होगा आगु टे दयाक निजर परिचय देदेबर मीटा आम नर्माली आरंभ करवा जेहेतु आम करसे आर्पोरेसन के शीघ्र हिसाब से आज के 18 वर्ष है मुझे छोट दिन जेन दिन मुझे चाष कली से दिन करपोरेसन के धान दे आमर जो अंतर्जात धान गवेषणा केन्द्र तथा ओडिशा सरकार को द्वारा चुक्ति ओडिशा रो विभिन्न जिलार किभली भाव में कृषि उन्नति हो पार सरकार को विभिन्न टेक्निक्स मध्यम किभली कृषि उन्नति कराईपर से बाबद अंतर्जात धान गवेषणा केन्द्र ओडिशा सरकार सहित चुक्ति काम कर सहित ए वर्ष ओडिशा सरकार जो वर्ल्ड बैंक फंडेड ओपिक्रा प्रोजेक्ट जो ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंस एग्रीकल्चर से क्लाइमेट रेजिलिएंस एग्रीकल्चर रे इरी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट विशेष कर जो माइनर इरिगेशन एरिया रही माइनर इरिगेशन एरिया रे माइनर इरिगेट जो पानी को किभली भाव में व्यवहार करा जाए विभिन्न क्लाइमेट रेजिलिएंस राइस वैरायटी सहित राइस फेलो को मैनेजमेंट करा जाए पेरिबो ता उपरे इरी काम कर तो ए वर्ष आम जो काम करूँ बलांगीर रो लोईसिंगा ब्लॉक रे आमर जो कंदाजुरी अच्छी कंदाजुरी पंचायत अच्छी अपर कंदाजुरी तो लोअर कंदाजुरी अच्छी जो एमआई एरिया अच्छी से पांड्राणी गोटे एमआई अच्छी तो से एमआई रो जो कमांड एरिया रही कमांड एरिया रे आम मैंने काम करे विभिन्न राइस भेराइटर डेमोनस्ट्रेसन करेमोनस्ट्रेसन आम गोटे हूँ क्रॉप कैफेटेरिया प्राय 17-18 नुआ नुआ राइस वैरायटी जो थे कि स्ट्रेस टॉलरेंस अच्छी माने चाप सहणी रही क्लाइमेट रेजिलिएंस कैपेसिटी रही सहित बायोफोर्टिफाइड राइस किसी जो थे कि जूट कंटेन्ट अच्छी प्रोटीन कंटेन्ट थी राइस को आम लगे फिल्ड में तो यही वैरायटी लगेबार उद्देश्य हूँ कौन ना विभिन्न स्टेक होल्डर जो मैंने अच्छा सीड सिस्टम रे जमीक आमर सीड असपका है सीड कॉर्पोरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है फार्मर है एस एच जी है तो ये समस्त को लेकिन आम चाहू गोटे इवालुएसन करूँ से विभिन्न लोकर विभिन्न प्रकार मत रही मोर कह कथा हूँ जे जड़े माँ जी कुछ रांधुची तार रांधवार तार अन्य मत रही जी बिजनेस करे डीलर्स तार मत रो कि गोटे टाइप रिंग मानते ग्रेन रो फाइन ग्रेन रो
तो यही सब कुछ लक्ष्य कर विभिन्न प्रकार भेर ट्रायल कर आज उद्देश्य हूँ कौन आम से भेर की देखिए देखा स्कोर करवा तो कौन भेर भल होता परवर्त पर्यायर एथे किसी रिलीज भेर अच्छी किसी रिलीज नई भेर अच्छी परवर्त पर्यायर आम कौन हम ना डिपार्टमेंट को गोटे प्रेसर करेर व्वैड मानने विविध भाव में प्रचार हवा दरकार प्रसार हवा दरकार तो एक छोट प्रयास सहित आम कौन कर जो से कमांड एरिया रही है से कमांड एरिया बहुत कम हुए तो आम से कौन कर मेकानाइजेशन स्टार्ट कर लईसींगा ब्लक सीड दे सीड पर आम से मेकानाइज ट्रांसप्लांटिंग करूँ प्राय 15-17 एकर करूँ बेसी कर 15-17 एकर मेकानाइज ट्रांसप्लांटिंग सहित इरी जो रिसर्च कर नुआ नुआ भेर 40 नुआ भेर जोटा कि कौन प्रकार तार नेम है कि तार डेजिग्नेशन भी मिलनी से भेर भी आम ट्राएल कर बहुत डायरेक्ट सिलेक्ट कर ट्रांसप्लांटिंग कर तो कौनटा भल हो आम देखू ता सहित आम फार्मर को भी सहीटा भिजिट करने चाहूँ तो जो भेर भल हम परवर्त बजार से भेर की आउट भल करने चेस्ट करा सहित आपण मान सजेसन भी आम नापी चाहिए जो कौन कले आउट भल हो पार 19 भेर ग्रो कर भल लगेगा कहीं ये भेर सब एपट ओापी प्रजुज्य हम कहीं देखो आगुरी वर्षा 4.5-4.5 मास होता एवं देखो वर्षा आस्ते आस्ते 3 मास पलि मैंने पलैस जो जून फास्ट वीक वर्षा आरंभ हुए एटा जून लास्ट आड़ आरंभ हो सेप्टेम्बर लास्ट आड़ वर्षा सर जाए ये 4 मास कर 3.5 मास जो भेर अच्छी सेपट जगह मानने मानने सुइटेबल हम कहीं जो मरुड़ी हो जाता एक खतर इल भल अच्छी इल पोटेनसीआल 5,500 55 क्विंटाल 60 क्विंटाल अच्छी 60 क्विंटाल अच्छी देखिए भल हम यहाँ आई भेर जमे पपुलराइज हम आशी मैंने आडप्ट करेंगे बेस ग्रो करेंगे आगे आदाय अधिक पाइबे रिकमेंड स्टार्टअप यदि भल हम सर मुझे आशा करूँ इरीर स्पेशलिस्ट अच्छे मिस्टर शेख मुसार हुसैन जहा न देख बेणी नए बरते ना जीव गुरु बचने आमर जहाँ आम भाव आम गोटे जिन आज कल तो मीडिया बहुत अच्छे मीडिया आम बाहर करदे तो समस्ते जा जाते कि आपड़ प्राक्टिकाली गोटे जिनस न देखा पर्यत आपण जी आडपसन कि आप ग्रहण करेंगे खाली आडभर्टाइजमेंट फोटो देते ग्रहण करवाटा करें जदि भी करेंगे बहुत कम परसेंट जो मैंने बहुत आग धाड़ी चाषी से मैंने ग्रहण करेंटाकूपारती जिनसा एक्चुअली रखा हुए जो डेमोनस्ट्रेशन महत उद्देश्य हूँ कि आप प्राक्टिकाली गोटे जिनस देखिए से अनुभव करेंगे तारी उपरे जानवे तापर आप आग को जीवे क्या होता है दो चीज शब्द में शेयर करना चाहता हूँ आपसे सर का बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए सर बता रहे थे जो एक टाइम था उड़ीसा में बहुत चावल का कमी था आज चावल ज़्यादा हो गया अगर देखेंगे जितना चावल हो रहा है लगभग 35-40% चावल उड़ीसा अभी कहाँ मिलता है एफसीआई को बेच रहा है ना जितना चावल होता है तो मतलब उड़ीसा बहुत सेल्फ सफिशियंट हो गया चावल लेकिन एक चीज़ जो कमी है उड़ीसा में प्रोडक्शन मैंने प्रोडक्शन बोलते प्रोडक्टिविटी है ना पैदावार जिसको बोलते हैं एक एकड़ में जितना होना चाहिए वो जो सर्व भारतीय है नेशनल एवरेज है उससे काफ़ी कम है आज का अगर आंकड़ा देखिए आज का अगर डेटा देखिए तो ऑल इंडिया एवरेज ऐसा है 2.8 टन पर हेक्टर है ना 28 क्विंटल एक हेक्टर से होता है लेकिन उड़ीसा में होता है 20-21 क्विंटल तो काफ़ी गैप तो एक गैप को मिनिमाइज करने के लिए एक तरीका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है सीड ठीक है कैसा पैदावार हुआ उसका अमल कितना होगा उसका क्या होगा तो उस पर सीड का अहम भूमिका रहता है आप फर्टिलाइजर देंगे पेस्टिसाइड देंगे अच्छे से इरिगेशन देंगे वो तो बाद में आएगा अगर सीड अगर ठीक से नहीं हुआ वैरायटी अगर अच्छा नहीं है ना तो मतलब आप उससे जितना भी फर्टिलाइजर दे दो जैविक पेस्टिसाइड दे दो इरिगेशन का जितना भी बंदोबस्त कर दो ज़्यादा फर्क नहीं होगा
इसलिए वैरायटी और सीड ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो वैरायटी है ये डाइवर्स है, ऐसा नहीं है एक वैरायटी सब जगह चल जाएगा, ये तो आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा जानते हो, है ना। और वैरायटी कैसे डिसाइड करते हैं, वैरायटी डिसाइड करते हैं फार्मर डिसाइड करते हैं, मिलर्स डिसाइड करेंगे, जो खाते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, जो आधिकारिक लोग हैं वो लोग भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि सबको देखने का नज़रिया जो है थोड़ा सा अलग अलग है, राइट, है ना। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और हम लोग एक कैफेटेरिया बनाया है, है ना। इसका इसको हम लोग बोलते हैं वैराइटल कैफेटेरिया। कैफेटेरिया क्यों बोलते हैं, आप अगर देखे होंगे जैसे बोलांगा टाउन पे जाएंगे तो कुछ कैफे मिलेगा, राइट, कैफे देखे है ना, जो वहाँ पे कई सारे चीज़ लगा हुआ रहता है, कैफे मतलब कई सारे चीज़ लगा हुआ रहता है और आप जाके जो पसंद है आप ले लिए, है ना। तो उसी का प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग इसको वैराइटल कैफेटेरिया बोलते हैं। देखिए कई सारे वैरायटी वहाँ पे रखे हैं, आप जाइए घूमिए देखें और आपके हिसाब से जो है वो वैरायटी कैसा रहेगा, आपके हिसाब से क्या कमी है, क्या उस पर इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, इस वैरायटी में क्या खासियत है, ये आपका एक मूल्यांकन बहुत इम्पॉर्टेंट है, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट एक यही रहेगा, आप फील्ड में जब जाएंगे तो जो बारीकी से देखेंगे एक भाई वैरायटी को, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके आधार पे उसको मूल्यांकन करना है, है ना। जैसा अगर मेरे को पूछेंगे तो मैं बोलूँगा, अगर सबसे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, खाने का जो क्वालिटी, है ना, खाने की जो क्वालिटी, ग्रेन का जो साइज, है ना, चावल का जो साइज, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए वो नहीं है, आप अगर मान लीजिए फार्मर है तो आपके लिए उसका पैदावार ज़्यादा होना चाहिए, मेरे लिए हो सकता है वो पैदावार कम हो जाएगा, लेकिन वो ग्रेन साइज अगर अच्छा है तो चलेगा, उसका क्वालिटी चलेगा, है ना। तो आपके हिसाब से उनका जितना सारे क्वालिटी है, प्लांट हाइट बोलो कितना है, कितना केंडा का कितना बड़ा है, एक केंडा में कितना दाना है, राइट, है ना, उसका रोगोपो का कितना है, उसका ग्रेन साइज कैसा है, है ना, ये उसका ओजन कैसा है, देखने में लगेगा दोनों वैरायटी एक ही है जैसा है कि पैदावार होगा या एक ही अमला देगा, लेकिन जब हम लोग क्रॉप कटिंग करके देखेंगे तो फर्क आता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है, जो देखने का तरीका है, उसको ध्यान में रखते हुए डिटेल्स तो बता देंगे हमारा दिलीप भाई, उसमें हम लोग जाएंगे और हम लोग कुछ वैरायटी को चुनेंगे, जो वैरायटी और भी आगे उसको जाना चाहिए और जा सकता है और कुछ फायदा होगा किसान के लिए। सही जिनसटा ही हमें फिल अप करवा एथि हमर कोन अछि ना जो वैरायटी उडा हमर सेटी ट्रायल हेछि सेही वैरायटी उडा ना अछि हमें ताको जो स्कोरिंग करबा हमें स्कोरिंग करबा 1 रु 5 भितर स्कोरिंग करबा। ठीक सात टन अगर हम नहीं भी मानेंगे, अगर 6 टन भी मानेंगे तब भी ज्यादा है, राइट, सबसे प्रेफरेंस अभी इसको दिया जा रहा है। ये कौन सा वेरिएंट? BD69 सर, इसके ऊपर एक केस बनाना है आपको अभी। BD69, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। मंजी मतलब ऐसे मिलेगा और क्या, अभी ये वैरायटी 120 दिन में है, लेकिन डालुआ में थोड़ा सा ज्यादा दिन लगेगा, 130-135 दिन लगेगा। ड्रॉट टॉलरेंस कैपेसिटी रही है।
प्राय एटा हमर केमिकल रे भी से ट्रायल हिची प्राय मैक्सिमम हमर सीड कॉर्पोरेशन चेन रास देके सीड कॉर्पोरेशन ने बेटा ये करा होची बले सीड ता मिलवा Those are actually released for the state and being sold by the department. You know, we have given them bidder seeds. Okay. All these seeds are varieties are actually promoted by ED only, our organizations. Okay. But some of them are not yet released officially. So for those seed varieties, we would not be able to provide seeds, but they can take it from here. Okay. Nobody. कलामौली फूल है ना तो हाँ वो ब्लैक होगा लेकिन कलावती ब्लैक नहीं होगा कलामौली अच्छा हाँ तो एक प्लॉट तो दो तीन प्लॉट में लगा है ऐसा नहीं है एक प्लॉट में अच्छा होगा तो दूसरे प्लॉट में तो जस्ट टू एवरेज प्राय एटा हमर केमिकल रे भी से ट्रायल हिची प्राय मैक्सिमम ने हमर सीड कॉर्पोरेशन चेन रास देके सीड कॉर्पोरेशन ने बेटा ये करा होची बले सीड ता मिलवा प्राय एटा हमर केमिकल रे भी से ट्रायल हिची प्राय मैक्सिमम ने हमर सीड कॉर्पोरेशन चेन रास देके सीड कॉर्पोरेशन ने बेटा ये करा होची बले सीड ता मिलवा सर टुडे यू विजिटेड दिस कैफेटेरिया यस क्या बोलेंगे Yeah, this cafeteria is actually the display of few most prominent or very potential varieties in this district. So we have invited all the stakeholders in the seed chain, you know, the government officials, farmers, seed producers and seed certification officers. So they all will collectively observe the performance of the each of those varieties and they will rate it. And now they will shortlist it that which are those new varieties to be advanced in the seed chain. So on that basis, we will actually influence the systems and we will suggest the system that these are the best rated varieties that should be taken forward. You know, so that is how we are trying to benefit the farmers. So we have a number of varieties. Some of the varieties are actually tolerant to many abiotic stresses like floods or drought. Some of them actually have the qualities of having a tolerance of both the stresses. Some are very new biofortified soils varieties because you know that the issue of malnutrition is very burning in the state of Odisha. So somewhere other we need to reduce the scale and that spread of this problem, you know. And one of the ways to do it is to biofortify the rice because rice is consumed almost twice a day by Odia people, you know, sometimes three times. So this is the important route. So that we can actually provide better nutrition in terms of better level of zinc, iron, protein to the consumers. No, so that is an excellent way and being practiced and we are actually playing our part to help the government of Odisha and the other stakeholders to do these things in a better way to mitigate the problems of malnutrition. Yeah, इधर से सीट लेके चला जाता है वो लोग आज